पांच कमाल की मूवी बताता हूँ जिसमें आपको डियाना पेंटिन नजर आएंगी। नंबर फाइव पे थे लखनऊ सेंट्रल, जो आई थी 2017 में, जिसका रेटिंग 6.2 की। कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसका सपना भोजपुरी म्यूजिशियन डायरेक्टर बनने का होता है, लेकिन हालात उसे कहीं और पहुंचा देते हैं। किशन दिल्ली पहुंचकर एक सफल सिंगर बनने का सपना देख रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उस पर मर्डर का इल्ज़ाम लग जाता है, जो किसी बड़ी साजिश का शिकार हो जाता है और वो जेल पहुँच जाता है। नंबर फोर पे थी कॉकटेल, जो आई थी 2012 में, जिसकी रेटिंग 6.3 की। मूवी की कहानी में वेरोनिका की दोस्ती मीरा और फिर गौतम से होती है, जिसके बाद तीनों साथ रहने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है जब तक कि उनके जीवन में प्यार की फीलिंग नहीं आ जाती। नंबर थ्री पर थी हैप्पी भाग जाएगी, जो आई थी 2016 में, जिसकी रेटिंग 6.4 की। मूवी की कहानी में हैप्पी अपनी शादी के दिन ही घर से फरार हो जाती है, लेकिन गलती से भारत से पाकिस्तान बिलाल और जोया के घर पहुंच जाती है। फिर क्या होता है वो आप मूवी में देखो। नंबर टू पर थी ब्लडी डैडी, जो आई थी 2023 में, जिसकी रेटिंग 6.6 की। फिल्म की कहानी बस 24 घंटे का किस्सा है। जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अंडर कवर ऑफिसर सुमेर 50 करोड़ का ड्रग जब्त कर लेता है, बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। नंबर वन पे आती है सिद्धत, जो आई थी 2021 में, जिसकी रेटिंग 7.6 की। मूवी में दो कहानियों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक शख्स अपने प्यार को वापस पाने के लिए चंद कदम भी चलने की कोशिश नहीं करता और दूसरी तरफ एक शख्स अपने प्यार को पाने के लिए सरहदें तक पार कर लेता है। अगर आप एक कमाल की मूवी देखना चाहते हैं तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो में लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मन करे आप करिए, लेकिन अपनी फेवरेट मूवी नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।